आप देख रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में साइन न्यूज। नमस्कार दोस्तों, समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज में एक बार फिर आपका स्वागत है। सिवनी जिले में छपारा थाना अंतर्गत तेहरे अंधे हत्याकांड का खुलासा छपारा पुलिस के द्वारा चंद घंटों में ही कर दिया गया। जिला पुलिस अधीक्षक कार्यालय से जारी सूचना के अनुसार, प्रेस नोट जो जारी किया गया है उसके अनुसार, 2 अप्रैल को दोपहर रामचरण पिता भगवान दास के द्वारा ये सूचना पुलिस को दी गई थी कि डुमरिया में उनके मकान में रहने वाली ज्योति साहू, उनके बेटे और बेटी का शव कमरे में पड़ा हुआ है। थाना में इस मामले को पंजीबद्ध करते हुए से जांच में लिया गया। प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए जिला पुलिस अधीक्षक कुमार प्रतीक, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक एस के मरावी और SDOP घनसौर अनिल मंडरा, फॉरेंसिक टीम, फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट्स टीम, डॉग स्क्वाड, साइबर टीम, सभी को एक साथ करते हुए जो साक्ष्य संकलन, तकनीकी साक्ष्य संकलन, संदेहियों से पूछताछ, बंडोल, धूमा, आदेगांव और छपारा थाना पर प्रभारियों के नेतृत्व में पृथक दल भी बनाए गए। गठित टीमों के द्वारा विवेचना के उपरांत जो निष्कर्ष निकाला गया, उस निष्कर्ष में 3 संदेहियों से पूछताछ की गई। इसमें एक संदेही शेख इकरार कुरैशी, पिता शहीद कुरैशी, निवासी छपारा को हिरासत में लिया जाकर उससे जब पूछताछ की गई तो उसके द्वारा बताया गया कि वो जो मृतिका का पुत्र छपारा बस स्टैंड पर कुछ पॉलीथीन में सिंगाड़े भरकर बेचता था। इकरार की उससे जान पहचान हुई। मृतिका ज्योति से भी इकरार की जान पहचान हुई। मृतिका इकरार के पास कुछ सामग्री लेने, गुटखा आदि लेने जाती थी। लगभग 3.5 माह पहले इकरार को व्यवसाय के लिए पैसे की ज़रूरत पड़ी। इकरार ने मृतिका से 5,500 रुपये उधार लिए और उस जब उसने के द्वारा वापस नहीं किए गए। बार बार मृतिका के द्वारा उसे फ़ोन लगाया गया तो 1 अप्रैल को रात 11 बजे मृतिका जब लगातार फ़ोन लगाती थी तो वो फ़ोन नहीं उठाते थे। 1 अप्रैल की रात 11 बजे मृतिका ने उसे फ़ोन लगाया और उसके जब आरोपी उससे मिलने उसके घर गया, 8 दिन की मोहलत उसके द्वारा मांगी गई पर उसके द्वारा मोहलत नहीं दी गई। इसी बीच वाद विवाद बढ़ा और मृतिका का पुत्र उठकर आ गया और इनके बीच हाथापाई हुई। इसी के बाद आरोपी ने इस घटना को अंजाम दिया। इस पूरे मामले में SDOP घनसौर अनिल मंडरा, SDOP लखनादौन के अवस्थी, थाना प्रभारी छपारा सौरभ पटले, थाना प्रभारी धूमा राहुल बघेल, थाना प्रभारी बंडोल PL देशमुख, थाना प्रभारी आदेगांव राजेश दुबे, उप निरीक्षक RS राजपूत, उप निरीक्षक मंजू रहंगाले, उप निरीक्षक कोमल टोपको, सहायक उप निरीक्षक मुकेश उपाध्याय, प्रधान आरक्षक जय सिंह बघेल, जयंत बघेल, आरक्षक गजेंद्र समरीते सहित साइबर सेल के सहायक उप निरीक्षक देवेंद्र जायसवाल, आरक्षक अजय बघेल, विनय चौरिया एवं थाना प्रभारी थाना का पूरा पूरा योगदान रहा। यहाँ पर इस पूरे मामले में जो आरोपी के घर को जमींदोज करने की कार्यवाही को अंजाम दिया गया और इस पूरी कार्यवाही में जिलाधिकारी डॉक्टर राहुल हरिदास पटिंग, जिला पुलिस अधीक्षक कुमार प्रतीक मौके पर मौजूद रहे। भारी पुलिस अमला वहां पर मौजूद रहा जिनकी उपस्थिति में आरोपी के घर को ढहा दिया गया। सिवनी में ये हाल ही में लगातार दूसरी घटना घटी है जिसमें आरोपी के घर को ढहाया गया हो। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के सिवनी ब्यूरो से संजीव प्रताप सिंह की रिपोर्ट। अगर आपको ये वीडियोस पसंद आ रहे हों तो आप इन्हें लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। साथ ही हम आपको बता दें कि समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज़ में लिमटी की लालटेन रोजाना रात 8 बजे प्राइम टाइम पर प्रसारित होती है। अगर आपको ये पसंद आ रही हो तो आप इन्हें लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। फिलहाल आपसे इजाज़त लेना चाहेंगे, हम फिर हाजिर होंगे। जय हिंद।